हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक में किस तरह से आप घर बैठे जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिना ATM कार्ड का। यहाँ पे आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग में आप यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर हो सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना ICICI बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो है आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। सो वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में और अच्छे से मैंने समझाया कि किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको सिंपल सा गूगल में ICICI बैंक का जो ऑफिशियल साइट पे आ जाना, अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल से यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को, अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप लोग को सिंपल सा लॉगिन बटन पे यूज करना है, उसके बाद न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर लैपटॉप में आपको सिंपल सा न्यू यूज़र ऊपर में दिखेगा, आपको बस उसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू यूज़र पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक आई वांट माय यूज़र आईडी, दूसरा है आई वांट माय पासवर्ड। अगर आप लोगों को यूज़र आईडी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा वो आप किस तरह से जो है अपना यूज़र आईडी भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे आई वांट माय यूज़र आईडी पे पहले क्लिक करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल पर जो अकाउंट ओपन किए होंगे उस टाइम में आपको यूज़र आईडी मिला होगा। अगर आप लोग को नहीं मिला होगा तो आप लोग यहाँ से भी अपना यूज़र आईडी पता कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट है तो अकाउंट नंबर डाल के और फिर जैसे जैसे प्रोसेस गया है आप गो बटन पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम मेरे पास यूज़र आईडी यहाँ पे जब मैंने अकाउंट खोला था तो उस टाइम मुझे मिला था, मोबाइल पर मैसेज के थ्रू मैं आपको दिखा दिया। अब मैं आई वॉन्ट माई पासवर्ड पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी आपको फिल करना है और रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में दिया था उसको फिल करना है। दोनों फिल करने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे गो बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर जो है वन टाइम पासवर्ड जो OTP आपके मोबाइल पर गया होगा उस OTP को फिल के गो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को अब पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस तरह से बनाना है नीचे में एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। एक आप लोग को बिग लेटर लेना है, एक नंबर लेना है और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है और वो भी 8 अक्षर का लेना है, मतलब 8 लेटर का। उसके बाद जो आपका पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, उसका समझ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लूँगा, जैसे यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे जनरेट करूँगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके जो है यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जनरेट कर लूँगा, उसके बाद गो बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे गो बटन पे कर दो, यू हैव सक्सेसफुली जनरेट योर ICICI बैंक इंटरनेट पासवर्ड। अब यहाँ पे आप लोग को जो है लॉग इन हो जाना है फिर से। यहाँ पर आपको फिर से अपना यूज़र आई डी डाल देना है और यूज़र आई डी डालने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पर फिर से लॉग इन हो जाना है। अपना जो पासवर्ड आपने अभी टेम्प्ररी पासवर्ड बनाया था, जो अभी आपने बनाया था वो टेम्प्ररी पासवर्ड था, अब आप लोग को जो है कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर बनाना था। अब यहाँ को लॉग इन हो जाना है आपको इस पर। लॉग इन होने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है अब जो पुराने जो पासवर्ड आपने अभी अभी जो बनाया था पुराना पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अभी जो फिलहाल आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको जो है नया पासवर्ड बनाना है, एक कैपिटल लेटर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिला के जो है आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है फिर से। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड री एंटर पासवर्ड, उसके बाद जो है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग में आप यहाँ पे लॉग इन हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको माय व्यू पर्सनल डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे व्हाट्सअप का भी कुछ ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लोग जो है यहाँ पे व्हाट्सअप से कनेक्ट होना चाहते हैं ICICI बैंक के थ्रू तो यहाँ पर आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप व्हाट्सअप जो है आपका ICICI बैंक से कनेक्ट हो जाएगा और आपको मैसेज वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर आपको कोई ट्रांजेक्शन आ सकता है। तो अब इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो घर बैठे आप इंटरनेट ICICI बैंक में इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मैं चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।